अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप DULLB के एंट्रेंस एग्जाम को 10 दिन के अंदर क्रैक कर सकते हैं, तो आप में से काफी लोग जो हैं वो अमेज हो जाएंगे और शॉक हो जाएंगे। और आप लॉ स्टूडेंट्स बनने वाले हैं तो आप सबूत या एविडेंस के बिना मानेंगे ही नहीं। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ कैन यू क्रैक DULLB एंट्रेंस एग्जाम इन जस्ट 10 डेज। तो अब उसको जानने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि ये 5-7-10 मिनट की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, ताकि आप समझ सकें किस प्रोसीजर से आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बात किया कि मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल सबूत आपको दिखाऊंगा और एविडेंस आपको प्रोड्यूस करूंगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा, आप जज कीजिएगा जज बनकर कि हाँ ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसकी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें, लास्ट 3 साल के हम कट ऑफ देखें 2017, 18 और 19, और उनको देखने का हमारा मतलब सिर्फ ये है कि उसके बाद से एग्जाम के पैटर्न में चेंज आया और 100 क्वेश्चन हमारे यहां पर आने लगे। तो अगर मैं 2017 की कट ऑफ देखता हूं तो आपको चार्ट यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि 2017 की कट ऑफ में यहां पर आपके लिए 230 के आसपास कट ऑफ थी, और 230 कट ऑफ का मतलब है कि आपको 57 क्वेश्चन यहां पर सही करने थे, 57 क्वेश्चन यहां पर आपको करेक्ट अटेम्प्ट करने थे और आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया था। फिर मैं आता हूं 2018 पर, तो 2018 में आपकी कट ऑफ थी 222 मार्क्स, यानी यहां पर अगर आपने 54 क्वेश्चन सही किए होते तो आप कट ऑफ के पार थे और आपका एडमिशन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हो गया था। फिर अगर मैं बात करूं 2019 की, तो यहां पर कट ऑफ थी 217। यहां पर 217 की जब मैं बात करता हूं तो यानी अगर आपके 54 क्वेश्चन सही हैं तो आप कट ऑफ को क्लियर कर चुके थे। अब यहां पर अगर मैं मानता हूं कि 217 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, और इस सेमेस्टर इस साल मान लीजिए कि लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो कट ऑफ में कितना अंतर आ जाएगा? मैं कहता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 या 30 मार्क्स का ही कट ऑफ में अंतर आएगा। और इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि 20 मार्क्स ज्यादा, 30 मार्क्स ज्यादा या उससे ज्यादा नहीं हो सकती है कट ऑफ। अब अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो होती है 240 मार्क्स। अब अगर मैं 240 मार्क्स मानकर चलूं, चलिए 245 या 50 मानकर चलते हैं आप लोगों के लिए, तो वहां पर आपको 62 क्वेश्चन सही करने हैं। अब आपको 62 क्वेश्चन सही करने हैं 100 में से। चलिए यहां तक की बात आपके लिए क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, दूसरे चार्ट पर आते हैं कि आपके लिए मेजर पोर्शन कौन सा रहा है इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप सभी आंख बंद करके ये कहेंगे कि लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और पॉलिटी वाले पार्ट को अगर हम एक तरफ कर लें तो आधे से ज्यादा पेपर हमारा सॉल्व हो जाता है। और ये सब आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको इस चार्ट से भी पता चल रहा होगा कि अगर हम 2017 का क्वेश्चन पेपर देखें तो वहां पर आपको इस सब्जेक्ट से 42 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इन तीनों सब्जेक्ट को अगर मिला लूं मैं, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और पॉलिटी को, और 2018 में आपको देखने को मिले यहां पर 33 क्वेश्चन। मानता हूं उसी क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन फिर भी वो एक एम्पल रोल प्ले करता है। और अगर मैं 2019 देखूं तो सारी काया पलट हो गई है 2019 में, और आप देखेंगे कि यहां पर आपके लिए 72 क्वेश्चन आए हैं। अब 72 क्वेश्चन यानी आपका 70% ऑफ पेपर। अब मान लीजिए अगर कोई इस बार पेपर को बदलना भी चाहता है, 20% मार्क्स भी कम करता है, तो फिर भी 50% आपके लीगल से आने के चांसेस हैं। और अगर नहीं भी आता है तो भी आपके लिए एग्जाम पैटर्न में सबसे बड़ा खेल जो प्ले करेगा वो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और पॉलिटी ही करने वाला है। चलिए इन दोनों ही चीजों को आपने माना, और जब हमने डिसाइड किया था कि इस बार कट ऑफ कितनी हो सकती है तो हमने कहा था कि अगर आप 62 क्वेश्चंस को क्लियर कर दो तो यहां पर आपके लिए कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपका लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है तो क्या आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब मैं आपको कहता हूं कि आपको 10 दिन में इस एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, देखिए सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बैचेस के थ्रू। हम आप सभी को इकट्ठा एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, रिसोर्सेज की कमी है, उसकी वजह से हम आपको सभी को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन हमने जो है वो ऑनलाइन बैचेस डिजाइन किए यहां पर आपके लिए और ऑनलाइन क्लासेस डिजाइन की, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने 2 बैचेस यहां पर आपके 10-10 दिन के पूरे कर लिए हैं। हमने 10 डेज प्लस 1 डाउट सेशन डे दोनों ही बैचेस के लिए यहां पर कर लिया है, और ओवर 50 स्टूडेंट्स को हम यहां पर पढ़ा चुके हैं। अब जब हम 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहां पर पढ़ा चुके हैं तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमें मिले और उन्हें हम अच्छे से गाइड कर सकें। अब उनको हमने कैसा पढ़ाया है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ाया है, उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमने लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, आपके लीगल मैक्सिम्स कैसे सॉल्व करने हैं, जनरल टर्म्स, लैंडमार्क जजमेंट्स और ना जाने क्या क्या यहां पर पढ़ाया है, और साथ ही साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लीगल का ही पार्ट मानते हैं यानी आपकी पॉलिटी को भी बहुत अच्छे से कवर किया है। अब हमने कैसा किया है ये हम खुद नहीं कहेंगे, क्योंकि जब मैं कई बार ये कहता हूं कि अगर हम खुद अपनी प्रशंसा करेंगे तो यहां पर ही अभिमान होगा, अहंकार होगा, हम उस चीज की बात नहीं करते हैं।
अब इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए क्लिपिंग्स छोड़ दूंगा जो मुझे रिव्यू वीडियो आई हैं बैच 2 के लिए। तो बैच 2 की हमें रिव्यू वीडियोस मैक्सिमम जो हमें मिल चुकी हैं और मैं उन्हीं को अटैच कर आपको यहां पर बता देता हूं कि आप उनसे देखकर ये जान सकते हैं कि हमारा कोर्स प्रैक्टिकली कैसा रहा उन लोगों के लिए और आपके लिए वो कैसा हो सकता है, तो शायद आप लोगों के लिए वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर आप इस कोर्स तक पहुंचे कैसे, रजिस्टर कैसे करें, हर बार आप कहते हैं कि लिमिटेड सीट्स हैं, तो इस बार भी जी लिमिटेड ही सीट्स रहेंगी। जो प्रोसीजर है आप कैसे जा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और आखिरी दिन पर आप हमारे पास मत आइएगा और कहिएगा कि सर प्लीज हमें एनरोल कर लीजिए, इस बार हमसे नहीं हो पाएगा। लास्ट 2 टाइम से हम कर लेते हैं कि हाँ सीट्स भी बढ़ा लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पहली बार हमने 20 सीट रखी थी तो हमने 22 एनरोलमेंट ले लिए थे, इस बार हमने 30 सीट रखी थी तो हमें 32-33 लेने पड़े थे आखिरी दे भी, क्योंकि लोग पे कर चुके थे। तो हम नहीं चाहते कि किसी का भी नुकसान हो, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे एट द अर्लीस्ट आप रजिस्टर कीजिए ताकि आप सभी लोगों को अपनी सीट जो है वो कंफर्म मिले। अब यहां पर आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा, 10 दिन + 1 दिन 11 दिन में आपके लिए हम लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और आपका पॉलिटी कवर करा रहे हैं। अब वो कैसे कवर करा रहे हैं वो आप इन रिव्यू वीडियोस में देख लीजिए कि इन लोगों को कैसा लगा है। और मैं कहूंगा कि ये आपके लिए और कुछ नहीं तो एक चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आपके लिए आपका टाइम वसूल और पैसा वसूल कोर्स जरूर होने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप कोई हार्ड अर्न मनी आप मुझे दे रहे हैं तो मैं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करूं और आपकी भलाई के लिए उसे यूज किया जाए। आपको 37 रुपए से भी कम यानी 35 रुपीज के आसपास कुछ पड़ रहा है आपको एक घंटे का, और अगर आप कोचिंग्स में जाते हैं कहीं और जाते हैं तो शायद आपको पता नहीं कितनी हेफ्टी अमाउंट देनी पड़ती है। मैं कहूंगा उस चीज पर फायदा नहीं है उस चीज का कोई भी, तो आप अपने पैसों को भी बचाइए, अपनी अकल को भी बचाइए और सही पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। अब इस वीडियो को यहां पर खत्म करता हूं, समय की हमने सीमा बांधी थी उसी पर, और आप ये रिव्यू वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, जनरल आइडिया हो जाए कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं है। चलिए मिलते हैं आगे जल्दी नई वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियोज में, और आगे बात करेंगे आपसे। भारत माता की जय, जय हिंद। हेलो सर, माई सेल्फ पूजा राजौरिया and I want to share my views of this course. Firstly, I would say that I am so fortunate that I could be a part of this course. And yes, obviously you are a good teacher. Your way of teaching is really applaudable. And you are always there for our doubts, for our queries. I personally appreciate your way of talking, how you interact with us, how you tackled our problems. And one more thing I would say that before this course, I was so much confused in several legal terms, as there are many confusing legal terms in this course, but you clarified all of them in a very well manner. And I would say that you are a friend more than a teacher. So I feel that I am more confident than I was before, and now I can attempt more than 90% of questions from legal section. So I just want to say that, sir, please be always there for us, for our queries, for our doubts, like you were always. So I am very grateful that I got such a good teacher. And yes, one more thing of this course is that this is a very good course in such a minimal price. And so finally, just I want to say thank you so much, sir. Hello, sir. आपका कोर्स मेरे लिए पूरे तरीके से सही रहा। ऑन एन एवरेज मुझे सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ पसंद आया। इवन देन आपका एग्जाम्पल देना और इंक्लूड करना हर बच्चे को बाई टू बाई, और सबसे अच्छी बात जो रही वो था आपका नेचर, जो आपका फ्रेंडली नेचर है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और एक बात और, मैंने पहले भी लीगल पढ़ी अपने आप, मगर जो मेरे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं हो पाए वो अब क्लियर हुए, और ये मेरे लिए बेहतरीन रिविज़न साबित हुआ। तो थैंक यू सर, आपने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा कोर्स हम सबको प्रोवाइड कराया। थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम नीरू आर्या। आई हैव बीन अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय द सोशल इंडियन। आई हैव आल्सो बोर्ड द स्टडी मटेरियल कोर्सेज। बोथ आर इनक्रेडिबल। हिज सिंपलेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स आर द टू मेन थिंग्स व्हिच कुड अट्रैक्ट मोर लॉ एस्पिरेंट्स टुवर्ड्स हिम। He is very interactive. He always attends us whenever we have any query. Thank you so much, sir, for guiding us in our journey, and keep doing. Hi, friends. Hope you are doing well. This is Karthik Nair from Mumbai, a member of second batch of TSI. Mr. Aditya Yadav, sir, has done a fantastic job in clearing the concepts of legal attitude for me. I would recommend anyone whose concepts are not clear, please get yourself enrolled in this course, as this would be an add-on for you.
because the classes are very good. You know, all the doubts are being cleared. And this course is in perspective of, you know, your law examinations. So it is highly recommended that you get into this. Thank you. Hi, this is Swati. Aditya sir's class was very helpful for understanding the concepts. I would recommend to all of you who are watching this video. Thank you. Hi, I want to share my experience with Social Indian. Was really a good. Sir ne sab kuch acche se padhaya. I know all the concept, all was really clear, and I will recommend the course to everybody who is aspirant of the DULLB. Thank you. Hi, this is Sumit Anurag, and I would like to thank Aditya sir, jinse maine online classes nahi thi DULLB ke preparation ke regarding. सर द क्लासेज वर सो गुड, आपने हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर किए, डाउट्स भी लिए, एंड आई पर्सनली हैव नो कम्प्लेंट्स एंड और एनी सजेशंस फॉर यू. यू आर डूइंग गुड सर. थैंक यू. थैंक द सोशल इंडियन फॉर डिजाइनिंग दिस 11 डे कोर्स फॉर DULLB एंट्रेंस एट सच अ नॉमिनल रेट. आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य सर बिकॉज आई डोंट थिंक देर इज एनी नीड फॉर सजेशन बिकॉज ही इज अ गुड टीचर एंड ऑल्सो अ गुड गाइड. ही टीचेज अस वेल एंड ऑल्सो गाइड्स अस एज टू हाउ वी हैव टू मेक आवर ओन स्ट्रैटेजी एंड वी हैव टू बी सिलेक्टिव इन आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हाइल गिविंग अस मास्टर टिप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. थैंक यू सर फॉर सॉल्विंग ऑल आवर क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग अस विद द इम्पॉर्टेंट मटीरियल. थैंक यू सो मच फॉर द कोर्स सर. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक झा. And I am here to share my experience about the course that I have opted from the Social Indian. This was very helpful for me actually, and the kind of dedication Aditya sir shows in order to teach us is very commendable. I am very satisfied with this course. I would like to recommend this course to everyone who wants to prepare for DULLB. Thank you. हाय, मेरा नाम शिल्पी है. मैंने द सोशल इंडियन के थ्रू जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोर्स अवेलेबल करवाया गया था, मैंने ज्वाइन कर रखा था. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. मेरे लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड सोर्स का पता चल जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक अच्छा टीचर हो सामने वाला. एंड आदित्य सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपको लेकर एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप उसे भूल ना पाओ, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं. और अगर आपके पास लिमिटेड सोर्स है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर आप कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बताते हैं कि उस लिमिटेड सोर्स में भी आप 80-90% मार्क्स आराम से ले सकते हो. आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से बना देते हैं कि आप अच्छे खासे मार्क्स को हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल्स कर सकते हो. एंड ये बहुत अफोर्डेबल था एंड पैसा वसूल कोर्स है, तो thank you very much sir. Hello everyone, this is Cheyenne Munif. To be very frank, at first I thought this is gonna be waste of time for me because I've already covered my legal portion, but I'm glad that I joined this batch because I found many interesting and new things to study about. And sir, Aditya sir, your knowledge, your experience, your way of teaching, all very beneficial for us. Thank you so much sir for being there with us. And sir, hope to see you soon at faculty. Hello sir, myself Shalu, and I enrolled the online class given by you, TSI online class for legal. And by my side, you covered our most of the topics for entrance, and in a very affordable price, and in a very smart way you covered our topics. And there is no suggestion required sir at all, because by the help of examples and involving us in examples is very much clear. And thank you sir for giving us the online course in this era. Hello, I am Shashank Agarwal. Aditya sir ne hame kafi acha padhaya hai, kafi wo example dene ki koshish ki hai jo practical life mein aksar dikhai hame dete hain, aur hum yahi aasha karte hain ki ye hamari hamesha क्वेरी सॉल्व आउट करते रहेंगे, बस यही आशा है. थैंक यू. आई एम विष्णु एंड आई वांट टू थैंक द सोशल इंडियन फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अमेजिंग कोर्स ऑन लीगल सेक्शन एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीयू एंट्रेंस एंड इट्स प्रूवन वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू टैकल विद लीगल सेक्शन. हाय, आई एम योगेश कुमार गौड़. तो पहले मैं लीगल सेक्शन को लेकर काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी छुआ नहीं था, क्योंकि और कुछ पढ़ा भी नहीं था इस बारे में कभी. तो फिर सर की क्लास के बारे में पता चला, काफ़ी अनसर्टेन था क्लासेस लूँ या नहीं लूँ, पर अब क्लासेस लेके बहुत खुश हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ. अब 70-80% सेक्शन मुझे पे मेरी पकड़ बन चुकी है. अगर क्लासेस मतलब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उन्हें सॉल्व करने की सिचुएशन में हूँ. आदित्य यादव सर के बारे में क्या ही कहूँ, कोई शब्द नहीं मिलते उनकी तारीफ़ करने के लिए.
वो इतना सिंपल तरीके से समझाते हैं कि जैसे आपका कोई भाई आपके साथ बैठ के आपको समझा रहा हो। कोई कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, और लगा ही नहीं कि कोई क्लास में ऐसे मतलब टेस्ट के लिए क्लास में बैठे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे हम लॉ कर रहे हैं और एक काफ़ी सुलझे हुए हमें टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू आदित्य यादव सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, माय नेम इज वांगिनी एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू रिगार्डिंग यूएलएलबी कोर्स व्हिच आई टुक फ्यू डेज बैक। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूएलएलबी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड आई हैड क्वेरीज रिगार्डिंग लीगल पार्ट, बट देन आई जॉइंड यूएलएलबी कोर्स बाय सोशल इंडियन। My legal part was became strong day by day, and it was a great experience for me. I want to thank Aditya sir. Hello, hi, I am Rajnish Kumar. I am preparing for DU LLB entrance exam. Here I want to say thanks Aditya sir, because of him I am getting lots of confidence and get rid of lots of confusion regarding legal terms. I am still attending his classes. Sir ke classes main kar raha hu. कुछ दिन पहले सर का 11 डेज़ का ऑनलाइन कोर्स आया था। सर को मैं पहले से यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, इसकी वजह से मुझे जो पता चला तो मैंने सर की क्लासेस ज्वाइन की, और आफ्टर 7 डेज़ आज सर का 7वां दिन था क्लास का। क्लास करने के बाद मेरे बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे लीगल टर्म से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे दूर हो गए। और सबसे अच्छी बात क्या है, सर की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट सर का दो तीन चीज़ जैसे वे ऑफ टीचिंग, पहला इतना अच्छा है सर का जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इन सब चीज़ों से, एक वे ऑफ टीचिंग, एंड सेकंड इज़ कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंट वे में सर पढ़ाते हैं एक इनर्जेटिक वे में, जिससे क्लास में अटेंशन बना रहता है, बोरिंग सी फीलिंग आती ही नहीं है। ओ सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात, सर फ्रेंडली हैं, लगता ही नहीं है जी हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ऐसा फील होता है किसी जान पहचान वाले से, ब्रदर हो, कज़न हो या कोई सीनियर फ्रेंड हो, ऐसा फ्रेंडली माहौल रहता है। सो सर की क्लासेस मैं कर रहा हूँ, मुझे तो सर की क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी। सो सर का जो गाइडलाइन है वो जो बूस्टअप करता है वो मुझे अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर दिस सर, एंड सबसे बड़ी बात 750 रुपये में, इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स मोर देन गुड एंड कैन से द वेरी गुड डील, एंड पैसा मायने नहीं रखता आई थिंक। सो थैंक यू फॉर दिस सर, सो थैंक यू सर। हेलो, आई एम दिव्य श्रीवास्तव, आई एम प्रिपेयरिंग ऑफ DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग एग्ज़ाम प्रिपेयर की बात करते हैं या मैं बात करती हूँ, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज, डाउट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम एग्ज़ाम कैसे तैयार करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सी बुक रेफ़र करेंगे। तो मैंने भी आप ही लोगों की तरह जनरली यूट्यूब में जाके बहुत सारे वीडियोज़ को सर्च किया। मैंने आदित्य सर की वीडियोज़ को देखा जिसमें उन्होंने स्पेशली लॉकडाउन के वीडियोज़ डाले थे कि 20 डेज़ में आप अपनी DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे कम्प्लीट करें। मैंने उस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखा, बहुत मोटिवेट हुई, तो इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सर्च किया। तो मैंने पाया कि सर ने बहुत सारे छोटे छोटे 8-10 दिन 20 दिन के कोर्सेज को निकालने का एक कोर्स तैयार किया है, जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया और आज मेरा 8वां दिन है। और मैं सबसे ज़्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में वीक थी, और मुझे आज 8वें दिन में आज सर ने कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट को स्टार्ट किया। मेरी बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें थी जो आज मैंने बहुत आराम से सारी चीज़ों को सॉल्व आउट कर लिया, और मैंने इन 8 दिनों में अपनी स्टडी को, जहाँ मैं 40% चीज़ों को आराम से समझ पा रही थी, आज वो मेरा रेशियो 70-80% पहुँच गया है। मैं ये खुद से, मतलब खुद में फ़ायदा देख रही हूँ, तो निश्चित तौर पे है कि जब मैं खुद फ़ायदा पा रही हूँ तो आप सब भी इस क्लास को ज्वाइन करके बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। और सर की पढ़ाने की स्ट्रेटजी नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली होके आप छोटी छोटी चीज़ें बीच में पूछ सकते हैं। सर एलस्ट्रेशंस बहुत बताते हैं छोटी छोटी, बहुत अच्छे से मैक्सिमम को ब्रेकआउट करना, बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत, इनफैक्ट आप इस कोर्स के बाद भी जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तब तक वो अपने से जुड़े रहने के आपको सारी चीज़ें
बोलते हैं कि आप मेरे से जुड़ के आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो, आपको इतनी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो प्लीज़ आप जाइए, आप हो सके तो आप भी मेरी तरह इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए।